माता जी प्रणाम आशीर्वाद बेटा। जी माता जी। आपका नाम अमरजीत सिंह जी, क्या पूछना चाह रहे थे बेटा, मन में क्या प्रश्न थे? आप ही बता दीजिए माता जी, यानी यानी जो भी मेरा अभी और जो और जन्म कुंडली के हिसाब से भी और वैसे भी अभी जो मेरा जो चल रहा है सब। डेट ऑफ बर्थ आपका है फिक्स? 22 जून। और समय? समय तो कंफर्म नहीं है, 22 जून 1900। अगर कंफर्म नहीं होता तो फिर वो कुंडली बेकार रहती है, तो बिना कुंडली के आपका फलादेश मैं करती हूँ। 22 जून 1978 है। हाँ हाँ नहीं, जब समय क्लियर नहीं है तो वो कुंडली फेल हो जाती है, ऐसा है, क्योंकि 24 घंटे में 4 चरण होते हैं, जी तो 6-6 घंटे का एक एक चरण होता है, 6 चौके 24, जी तो किसी 6 घंटे के भीतर आपका जन्म हुआ होगा। जब जन्म समय क्लियर नहीं होता है तो कुंडलियां डिस्टर्ब होती है, और किंतु कर्म पंतु का भाग्य चक्र वो ठीक नहीं होता है, ये ज्योतिषियों का कार्य होता है। और जो आप तो सिद्ध जी साधक महापुरुष होते हैं उनको डेट ऑफ बर्थ लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ऐसा है। जी जी हाँ जी तो आप प्रश्न करें। माता जी, वही जो यानी जो आप बताते हैं जैसे कुंडली के हिसाब से जो भी आप अपने खुद जैसे बताते हैं। अच्छा अच्छा जैसे मैं ही बताती हूँ। आपका बड़ा दयालु स्वभाव है बेटा, और इस दयालु स्वभाव के चलते लोगों ने आपका जो व्यवहार है उसमें क्षति बहुत पहुंचाने की कोशिश की। आपने अपने जीवन में कभी किसी को दुखी देखना नहीं चाहा, दुखी देखना पसंद नहीं किया, अपने तरफ से और लगे मदद कर दिया है आपने, कि क्योंकि माँ भगवती की कृपा से आपको आपके पास उतना है कि आप अपना पेट भर के भी कुछ दान कर सकते हैं, और इस दान के चलते लोगों ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं किया। जी माता जी। शुरू से आपका संघर्षी लाइफ रहा है, जब से आपने होश संभाला तब से आपका लाइफ जो है ना बड़ा संघर्षमय रहा है। आज जो है आप अपने बल पे हैं, और बार कभी उतना सुख नहीं मिल पाया आपको जो मिलना चाहिए था, परिवार का भी उतना सुख नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जी माता जी। संघर्ष भरा लाइफ है, आज तक संघर्ष चल ही रहा है, जी लेकिन माता जी। आपके जीवन में धैर्य बहुत है, और धैर्य के चलते ही आज माँ भगवती के सानिध्य में आप हैं, और माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो रही है। जी माता जी। हाँ हाँ क्योंकि कई बार आपने इतने भयानक मतलब घोर कष्ट का सामना किया है अपनी लाइफ में, जी माता जी। और अपनों ने ही बहुत धोखा दिया आपको, जी माता जी। ये सत्य है या नहीं? जिन जी माता जी। जिनके ऊपर आपने अधिक भरोसा किया, विश्वास किया, उन्होंने ही आपको भयानक क्षति पहुंचाया, हाँ जी माता जी। और जी आरोप रहित जीवन को कर दिया आपके, हाँ जी माता जी। झूठे आरोप लगे आपके ऊपर, जी माता जी। जितना आपने किया नहीं उतना आरोप लगा आपके ऊपर में, जी माता जी। और उस आरोप को आपने सह नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था मौत भली लेकिन ये आरोप भला नहीं, इतना भयानक कष्ट आपने अपने मन में जो है झेला है। जी जी माता जी। और माँ भगवती की कृपा जब होती है, भगवान शिव भगवान भोलेनाथ की जिस मनुष्य के जीवन में कृपा होती है, तो माँ भगवती उन्हें धैर्य भी प्रदान करती है, क्योंकि माँ जगत जननी जगतारिणी धैर्य स्वरूपा है धरती। जिस प्रकार धरती माता पाप पुण्य आलोचना सबको सहते हुए और अपने पुत्रों को अपने मनुष्यों को कोई क्षति कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसी प्रकार माँ भगवती धैर्य धारणी ममता मई करुणा मई जगत तारिणी ने आपको अपार धैर्य प्रदान किया, और आज आप जीवित है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई, और माँ भगवती की कृपा से दिव्य यंत्र भी आपको प्राप्त हो रहा है, ये बहुत विशेष कृपा है मैया की।
माँ भगवती की आराधना करने के लिए आपको गुरु परंपरा अपनानी हो चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके कम समय में ही सारा सुख आप प्राप्त करें मैया की कृपा से। और हेलो हाँ हाँ जी, तो माता जी ये भगवती जो जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जैसे आप बताते हैं और वो जैसे राशि वगैरह के हिसाब से जैसे तो आपका सूर्य प्रबल नहीं है ना बेटा, सूर्य अष्टम का होने से सूर्य आपका पावरफुल नहीं होने से राजयोग में वृद्धि नहीं हो पाई। जी अभी मैं जो आपको बता रही हूँ कुंडली देख के नहीं बता रही, अब जी बताऊंगी। जी 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 आपके जीवन में कालसर्प दोष है जी और कालसर्प दोष के चलते आपको भयानक भयानक कष्टों का सामना करना पड़ा, यानी कि बदनामी रहित जीवन का सामना करना पड़ा। जी पैसे तो आपने कमाया लेकिन इधर आया इधर गया, इधर आया इधर गया, जी माता जी स्थायी पूंजी बहुत कम से कम आपने रख पाया। जी जी और आपको अपनों ने ही परेशान किया, जिस पे आपने अधिक भरोसा किया उसी ने आपके भरोसे पे धब्बा लगाया, बदनामी का धब्बा लगाया, वो कारण है शुक्र का कारण। अभी स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव बार बार आ रहा है, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम, जी हाँ शुगर संबंधी प्रॉब्लम बनेगी, ब्लड संबंधी विकार होंगे, शरीर में आपको हाथ पैरों में तकलीफ दर्द चालू हो गया है। जी जी हुआ है या नहीं हुआ, मतलब मैं इतना जो फलादेश की हूँ तो उसमें से कुछ भी गलत है तो आप कह सकते हैं माँ आपने ये नहीं है और आपने। नहीं, शरीर में अभी तो दर्द तो चालू हो ही गया है, यानी शरीर में दर्द तो, हाँ बॉडी हाँ हाँ बॉडी शरीर पे, में पेन है हाँ हाँ जी। वो चालू हो गया है। उसका मूल कारण है कि आपके जीवन में कालसर्प दोष तो है ही, जिसके कारण आपने भयानक भयानक क्षतियों का सामना किए, धैर्य धारण हुआ, उसका कारण है आपका चंद्र प्रबल है, चंद्र मजबूत है, मेष का चंद्रमा है, जिस कारण से आपको बहुत धैर्य प्राप्त हुई मैया जी की कृपा से। और अंगारक योग के कारण आपके जीवन में ब्लड की गति में गाढ़ापन आ रहा है, गाढ़ापन आने के कारण दर्द तकलीफ हो रही है, ब्लड की नसों में जो ब्लड का संचार है वो गाढ़ापन आने के कारण ब्लड संचार की जो गति है ना वो धीमी चल रही, जिस कारण से तकलीफ जीवन चिलकन ऐसा जी जी ये महसूस। इसका मूल कारण है अंगारक योग। जी जी और पाचन क्रिया में भी दिक्कत जा रही है, जी लीवर जी भी कमजोर हो रहा है आपका, उसका मूल कारण है सूर्य खराब है। जी तो जिस मनुष्य का सूर्य खराब होता है तो लीवर पकड़ता है, मतलब सूर्य मतलब आग, आग का काम करता है सूर्य। और हमारे शरीर में जो ब्रह्मांड में जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह विचरण कर रहे हैं वही हमारे शरीर में हमारे पिंड में विचरण कर रहे हैं, और सूर्य का जो काम है हमारे शरीर में लीवर मतलब अग्नि कमल जिसे हम कहते हैं, जिसे लीवर कहते हैं डॉक्टरी भाषा में, जी जी तो वो लीवर कमजोर होने के कारण अग्नि कमल कमजोर होने के कारण पाचन क्रिया में शक्ति नहीं रही है, कमजोर पड़ रही है। तो वो अगर अपन डॉक्टरी इलाज भी कराते हैं तो जब तक सूर्य का आप उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा उसे लीवर को। जब तक दवाइयां आप लेते रहेंगे तब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जब दवाइयां बंद कर दिए तो स्वास्थ्य में फिर उतार चढ़ाव आना, गैस संबंधी प्रॉब्लम, जलन होना, हार्ट में डकार आना, खट्टी, पाचन क्रिया सही नहीं होना, ये सब कारण होता है सूर्य डिस्टर्ब होने का। जी, संघर्ष के चलते आपने एजुकेशन में रुकावट के योग बने आपके, जी, हाँ जी, वो जी, आपने गुरु दीक्षा धारण किया, गुरु लिया, गुरु बनाए आपने, नहीं मतलब तो गुरु बनाए बिना माँ बगलामुखी की आराधना करना, खैर आपने मन में विचार किए थे तब माँ भगवती की कृपा से वो उनकी प्राप्ति हो ही गई, आपको ब्रह्मास्त्र कवच मिल ही रहा, लेकिन जब हम कवच धारण कर लिए तो माता जी की आराधना भी जब हम करेंगे तो फिर तो 100 गुना फल मिलता था वो 1000 गुना मिलेगा, और जो 1000 मिलता है तो वो अनगिनत फल की प्राप्ति होती है।